हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिन्होंने किसी बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से न होने के बावजूद भी इंडस्ट्री में पहचान अपनी शुरुआती फिल्मों से ही बना ली। कियारा का सपना स्कूल टाइम से ही एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का था, पर उनके पापा नहीं चाहते थे कि वो एक्ट्रेस बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कियारा की एक सफल बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की कहानी जानेंगे कि कैसे एक बिजनेसमैन की बेटी ने खुद को साबित किया, और जानेंगे कियारा की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। कियारा के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 31 जुलाई 1992 को मुंबई महाराष्ट्र की एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम आलिया रखा गया। जी हाँ दोस्तों, कियारा का रियल नेम आलिया है। कियारा की पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई थी, तो सलमान खान ने ही कियारा को बोला कि आलिया नाम की एक्ट्रेस पहले ही इंडस्ट्री में नाम कमा चुकी है, तुम्हें अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपना एक अलग नाम रखना होगा। सलमान खान की सलाह मानते हुए उन्होंने अपना नाम आलिया से कियारा रख लिया। कियारा नाम उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की अनजाना अनजानी मूवी को देख कर रखा था। कियारा की फैमिली में 4 लोग हैं, उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम मिसाल आडवाणी है। कियारा के पापा का नाम जगदीप आडवाणी है जो कि एक बिजनेसमैन है, और उनकी मां का नाम जेनेविव जाफरीन है जो कि एक टीचर हैं। कियारा ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से की। कियारा शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और शुरू से ही उनमें एक्टिंग का टैलेंट भी था। कियारा जब बहुत छोटी थी तब से ही उन्होंने माधुरी दीक्षित और करीना कपूर को टीवी पर देखकर डांस करना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कियारा केवल 1 साल की थी तब वो एक बेबी शॉप के एड में अपनी मां के साथ नजर आई थी। कियारा ने अपने स्कूल टाइम में ही अपने पापा से बोला था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन उनके पापा ने ये कहकर उनसे मना कर दिया कि मुझे ये सब नहीं पसंद। लेकिन साल 2009 में आई आमिर खान की मूवी 3 इडियट देखकर कियारा के पापा का मन बदल गया और उन्होंने अपनी बेटी से बोल दिया कि तुम चाहो तो एक्टिंग में करियर बना सकती हो। कुछ ही टाइम में कियारा ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली। कियारा ने 12th क्लास में 92% गेन किए थे। स्कूलिंग करने के बाद वो जय हिंद मास कम्युनिकेशन कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन करने लगी, और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और एक्ट्रेस बनने के लिए मेहनत करने लगी। कियारा ने फिल्मों में आने से पहले कुछ महीने अपनी माँ के स्कूल में बच्चों को संभालने की जॉब भी की थी। ये जॉब करना उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि कियारा को छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, इसीलिए उन्होंने ये जॉब की थी। एक्टिंग सीखने के साथ साथ कियारा फिल्मों में ऑडिशन देने लगी, और साल 2014 में वो मौका आया जब उनको फिल्मों में ब्रेक मिला। ये फिल्म थी फुगली। साले न्यूज चैनल वाले बार बार ऐसे दिखा रहे थे जैसे सबको मेरे बाप के मरने से फायदा हुआ सिवाय हमें। इस फिल्म में कियारा ने अपना 100% देने की कोशिश की थी, पर सिर्फ एक एक्टर की मेहनत से फिल्म हिट नहीं होती। कियारा की पहली फिल्म फ्लॉप रही, जिससे उन्हें ये समझ आया कि ऐसे ही आंखें मीच कर कोई फिल्म साइन नहीं करनी चाहिए, और यहाँ उन्होंने तय किया कि वो अब फिल्में बहुत सोच समझ कर करेंगी। 2014 के बाद कुछ फिल्मों के ऑफर आए जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और कुछ फिल्मों में वो काम करना चाहती थी पर ऑडिशन में सेलेक्ट न हो सकी। साल 2016 में उन्हें उनकी दूसरी फिल्म मिली जो जबरदस्त हिट रही। ये फिल्म थी महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर फिल्माई गई एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी। ये सब स्टुपिड न्यूज़, ये मुझे बहुत अपसेट करती है माही। आई गेट हर्ट, आई थिंक आई लव यू एंड दैट्स व्हाई आई गेट। इस मूवी में कियारा ने धोनी की पत्नी साक्षी और धोनी की गर्लफ्रेंड प्रियंका दोनों का ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्हें धोनी की पत्नी साक्षी का रोल प्ले करने के लिए सेलेक्ट किया गया, और गर्लफ्रेंड का रोल मिला एक्ट्रेस दिशा पटानी को। इस मूवी से कियारा को फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान मिल गई। इसके बाद साल 2017 में उनकी एक मूवी आई जिसका नाम था मशीन। मशीन मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी। ये मूवी फ्लॉप होने के बाद कियारा ने सोचा कि अब चाहे कितना भी टाइम लग जाए वो ऐसी मूवी ही साइन करेंगी जिनकी स्टोरी उन्हें पसंद आएगी। इसके बाद साल 2018 में उन्हें एक वेब सीरीज करने का ऑफर आया। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की लस्ट स्टोरीज थी। ये वेब सीरीज कियारा के कुछ सीन्स की वजह से काफी वायरल रही, और कियारा की वजह से ही ये एक सुपरहिट सीरीज साबित हुई। इस सीरीज से बहुत से फैंस और बहुत से डायरेक्टर्स का ध्यान कियारा की तरफ गया। 2018 में ही कियारा को एक साउथ इंडियन फिल्म द जर्नी ऑफ भारत में काम करने का मौका मिला। इस मूवी के लीड एक्टर महेश बाबू थे, और इस मूवी को लोगों का खूब प्यार मिला,
और इसी साल के एंड में उन्हें एक और साउथ इंडियन मूवी ऑफर हुई, क्योंकि ये मूवी सुपरस्टार रामचरण के साथ थी तो वो इसे करने को तैयार हो गईं। इस मूवी का नाम था विनया विद्या रामा। ये मूवी भी सुपरहिट रही। साउथ की इन दोनों मूवीज में वो मुख्य एक्ट्रेस तो थी, पर इन मूवीज में एक्ट्रेस का कोई अहम रोल नहीं रहा, इसीलिए उन्हें अभी भी इंतजार था एक अहम रोल का, और उनका ये इंतजार खत्म हुआ 2019 में। 2019 में उन्हें वो फिल्म मिली जिसने उन्हें एक बॉलीवुड स्टार बना दिया। ये मूवी थी कबीर सिंह। बेबी डोंट कॉम्प्लिकेट इट प्लीज। कॉम्प्लिकेट व्हाट? कॉम्प्लिकेट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ज्यादा क्या होगा, तेरी शादी करा देंगे ना उससे। कबीर सिंह मूवी में शाहिद कपूर और कियारा की एक्टिंग इस कदर पसंद की गई कि ये मूवी 2019 की सुपरहिट मूवीज में नंबर वन पर रही। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 400 करोड़ का बिजनेस किया। कबीर सिंह दक्षिण भारत की सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक है। इस मूवी का ही शायद ये असर हुआ कि साल 2019 खत्म होते होते उन्हें अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ गुड न्यूज जैसी महंगे बजट की मूवी में काम मिल गया। भाभी जी अंदर आए ना, भाभी जी पानी पूरी खाओगी। गुड न्यूज मूवी हिट रही और इसके बाद उनके पास बहुत सी मूवीज के ऑफर आने लगे। साल 2020 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है लक्ष्मी। इस मूवी की कहानी एक साउथ इंडियन मूवी से ली गई है। लक्ष्मी मूवी के लीड एक्टर अक्षय कुमार हैं। इस मूवी का ट्रेलर देखकर ही लोगों ने मान लिया था कि कियारा एक सुपरहिट फिल्म देने वाली है। इस मूवी के बाद भी कियारा की कई बड़े बैनर की मूवी आने वाली हैं, जिनमें कुछ पर काम चल रहा है और कुछ पर शुरू होने वाला है। कियारा आज बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, पर अभी तो उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया है। ये उनके करियर की शुरुआत भर है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग देखकर लगता है कि वो आने वाले टाइम में एक बड़ी एक्ट्रेस बन के सामने आएंगी। कियारा इन दिनों एक मूवी करने के 5 करोड़ रुपए लेती हैं, और ये फीस मूवी में उनके रोल के हिसाब से कम ज्यादा भी हो जाती है। मूवी के अलावा वो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन से भी काफी अर्निंग करती हैं। बात करें कियारा के रिलेशनशिप स्टेटस की, तो उन्होंने कभी अनाउंस तो नहीं किया, पर मीडिया में कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की डेटिंग के वीडियो और तस्वीरें काफी वायरल रही हैं, और बहुत से चैनल ये बोल चुके हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन कियारा ने मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि वो सिंगल हैं और फिलहाल किसी से रिलेशनशिप में नहीं है। चलिए दोस्तों, कियारा के करियर और लाइफ से जुड़ी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि कियारा का इतनी जल्दी सक्सेस होने का कारण सलमान खान है, क्योंकि सलमान और कियारा की फैमिली में काफी अच्छी जान पहचान है। कियारा ने इस बारे में एक इंटरव्यू में ये भी बोला है कि किसी बड़े एक्टर से पहचान होने से आपको बॉलीवुड में सफलता नहीं मिल सकती। कियारा कोई भी मूवी साइन करने में जल्दबाजी नहीं करती, अब वो हर एक मूवी सोच समझकर करती हैं। कियारा की पहली मूवी फ्लॉप होने के बाद उन्हें 2 साल तक किसी भी अच्छी मूवी के ऑफर नहीं आए थे, जिससे कभी कभी उनके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगे थे। पर कियारा बताती हैं कि उस टाइम मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। भारत और एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी कियारा आडवाणी की बहुत अच्छी दोस्त है। कियारा और ईशा की बचपन से ही काफी अच्छी दोस्ती रही है, इसीलिए जब ईशा की सगाई हुई तो कियारा इमोशनल हो गई। उन्होंने अपनी और ईशा की बचपन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनके साथ आप बड़े होते हैं। मेरी पुरानी दोस्त अभी भी उतनी ही केयरिंग, हम्बल और शानदार है जैसा पहली बार मिलने पर थी। मेरी होने वाली दुल्हन ईशु, अपने अंदर के बच्चे को कभी बड़ा मत होने देना। जैसा कि मैंने आपको बताया, कियारा को बच्चे बहुत पसंद हैं, और वो ये भी बोलती हैं कि एक दिन मैं भी माँ जरूर बनूंगी, क्योंकि ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। कियारा बच्चों की केयर करना, डायपर बदलना जैसे काम करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती। कियारा की कबीर सिंह मूवी भारत में 2019 में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च की गई, और पूरी दुनिया में ये मूवी 4th स्थान पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली मूवी रही। कबीर सिंह मूवी में कियारा से पहले एक्ट्रेस तारा सुतारिया को कास्ट किया जा रहा था, पर तारा उस टाइम स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने कबीर सिंह मूवी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस मूवी में कियारा को कास्ट किया गया। कियारा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब 10th क्लास में थी तब उनका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन जब वो द कपिल शर्मा शो में गई थी
तब उन्होंने बोला था कि वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, 10th क्लास में वो मैच्योर नहीं थी, इसीलिए शायद वो उसको रिलेशनशिप नहीं मानती। रणबीर सिंह की सुपरहिट फिल्म सिम्बा में लीड एक्ट्रेस के लिए पहली पसंद कियारा आडवाणी ही थी, क्योंकि वो उन दिनों अपनी वेब सीरीज की वजह से काफ़ी चर्चा में थी। करण जौहर चाहते थे कि कियारा सिम्बा में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करें, मगर फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सारा अली खान को साइन कर लिया। कियारा कुछ पुराने एक्टर्स के रिश्ते में आती हैं। फेमस एक्टर अशोक कुमार कियारा के स्टेप ग्रैंडफादर हैं और जाने माने अभिनेता सईद जाफरी कियारा के अंकल लगते हैं, लेकिन कियारा को फिल्मों में काम किसी के कहने पर नहीं, अपनी ऑडिशन से ही मिला। कियारा आडवाणी अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं और आए दिन वो इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। कियारा डेली जिम तो जाती ही हैं, साथ ही फिटनेस के लिए वो डांस और स्विमिंग भी करती हैं। कियारा के फेवरेट एक्टर सलमान खान और अक्षय कुमार हैं। अक्षय के साथ काम करना उनका बचपन से ही सपना था और वो सपना अब पूरा हो चुका है। कियारा की फेवरेट एक्ट्रेस करीना कपूर हैं। वो बोलती हैं कि मैंने करीना मैम की कोई भी मूवी मिस नहीं की है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सब कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउडेड मतलब क्या? क्राउड हम जैसे लोगों से तो बनता है, खुद भीड़ का हिस्सा है और तकलीफ भी खुद ही को है। कियारा का फेवरेट डेस्टिनेशन मालदीप है। कियारा का फेवरेट फूड डोसा है और उन्हें डेली कॉफी पीना भी पसंद है। कियारा की तीसरी मूवी मशीन फ्लॉप जरूर हुई थी, पर इस मूवी में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त सॉन्ग पर किया हुआ उनका डांस काफी पसंद किया गया और इस गाने को भी लोगों का बहुत प्यार मिला। कियारा अपनी सक्सेस पर बोलती हैं कि कुछ भी असंभव नहीं, बड़ा सोचो, कड़ी मेहनत करो और कभी भी हार मत मानो। कियारा 2018 में योयो हनी सिंह के एक म्यूजिक एल्बम में भी नजर आ चुकी हैं। इस वीडियो में उनके अपोजिट शाहिद कपूर थे। हनी सिंह के हर सॉन्ग की तरह ये सॉन्ग भी लोगों को काफी पसंद आया। बात करें कियारा के अवार्ड्स की तो 2019 में भारत आने नैनू मूवी के लिए जी सिने अवार्ड्स तेलुगु में उन्हें बेस्ट फाइंड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2019 में ही उन्होंने इमर्जिंग स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इसके अलावा वो 2015 में फुगली मूवी के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर के लिए नॉमिनेट हुई थी। 2020 में कबीर सिंह मूवी के लिए जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी वो नॉमिनेट हुई और इस बात की हैरानी सबको है कि इतनी बड़ी सुपरहिट मूवी देने के बाद भी उन्हें इस फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। बात करें कियारा की हाइट की तो उनकी हाइट 5'4" है और बॉडी वेट 56 kg है। कियारा इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी लाइफ स्टाइल और फोटोशूट के वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। शायद इसीलिए उनकी इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। कियारा अपने फोटोशूट की वजह से भी काफ़ी चर्चा में रहती हैं और उनके कुछ फोटो काफ़ी वायरल भी हुए हैं। दोस्तों, कियारा ने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना है। वो अपने करियर को लेकर कभी कन्फ्यूज नहीं हुई और शायद इसी एकाग्रता ने उनको सफल एक्ट्रेस बनने में बहुत मदद की। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी कियारा की सफलता की। हमने इस वीडियो में कियारा की लाइफ को काफ़ी करीब से जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से पूरी तरह से जुड़ पाए होंगे। वैसे तो कियारा हर रोल में कमाल करती हैं, लेकिन आपको वो किस रोल में सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं कियारा अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं और भी बहुत कुछ अचीव करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। नया है जमाना, नए है तरीके, बट आई लाइक टू बी रूटेड माई वे। माँ कहती है पहनू मैं सारी, जब जाऊंगी मैं फॉर कजिन की शादी, पर पहननी मुझे नहीं आती, सो आई गॉट मायसेल्फ अ रेडीमेड साड़ी। नया है दुनिया, नए है सॉल्यूशंस, पर आई लाइक टू फॉलो ऑल माई ट्रेडिशन। मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। वो, 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 वो,
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।